मैं डॉक्टर सी एल महावर बीए थर्ड ईयर की छात्राओं को सुंदरदास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। भक्ति कालीन काव्यधारा के कवियों के अंतर्गत राजस्थान के सुंदरदास का नाम भी बहुत सम्मान के साथ में लिया जाता है और सुंदरदास भक्ति काल काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। संत परंपरा में सबसे अधिक शिक्षित अगर कोई संत थे, ऋषि मुनि थे, तो सुंदरदास थे। इनका जन्म चैत्र शुक्ल नौमी सम्मत 1653 में दौसा राजस्थान के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम परमानंद और माताजी का नाम सती था। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। दादू दयाल जी के शिष्य बन गए थे। सुंदरदास ने मूलतः कवित्व और सवैये ही लिखे हैं। यानी सुंदरदास बचपन से ही दादू जी के शिष्य हो गए थे और वहीं पर रह करके उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया और अपने ज्ञान की जो विद्वता थी, अपना जो ज्ञान था उसका, जो कि मूल भाव था, जो मूल संदेश था अपने काव्य में, उन्होंने वहीं से देना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि बचपन से उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करना चालू कर दिया था, तो अर्थात वो शिक्षित थे, यानी भक्ति काल कवियों में सबसे शिक्षित, क्योंकि 6 वर्ष की अवस्था में गुरु के पास में पहुँच गए थे और गुरु के पास में रह करके कार्य करना, इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी। अतः सुंदरदास अपने समय के सबसे अच्छे शिक्षित संत थे। उनकी सबसे पहली रचना थी समुद्र थी, ज्ञान समुद्र थी। और इनका सबसे सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ था उसका नाम सुंदर विलास था। सुंदरदास थी निर्गुण साधना भक्ति के साथ साथ उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति के भिन्न भिन्न आचार व्यवहार के जो उक्तियाँ थीं उनको भी उन्होंने अपने काव्य में लिया। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल अष्टमी सम्मत 1746 को सांगानेर जयपुर में हुआ था। सुंदरदास की रचनाओं का संग्रह सुंदर ग्रंथावली के नाम से जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान श्री हरिनारायण पुरोहित ने किया था। अब कहते हैं कि सुंदरदास राजस्थान के थे, निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे और उनकी भक्ति भावना भी श्रेष्ठ भक्ति थी। साथ में क्योंकि समाज में सामाजिक जीवन इनका व्यतीत किया था, समाज में रहे थे, समाज के लोक नीतियों को, समाज की जो बातें थी, समाज का व्यवहार था, ज्ञान था, उन सब का ये आसपास में इधर उधर घूमे फिरे थे राजस्थान में और वहाँ की जो लोक संस्कृति थी, लोक ज्ञान था, लोक नीति थी, उन सब का इनको अच्छे से व्यवहारिक ज्ञान था। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान होने के नाते उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत, अपने ग्रंथ के अंतर्गत जो काव्य रचना की उसमें आचार व्यवहार, क्योंकि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो सारी बातों का इन्होंने वर्णन किया, जो कि सहज था, सुंदर था। और उनके काव्य की जो विशेषता थी वो सहजता के साथ में थी। लोगों को तक इनका ज्ञान सहज तक पहुँच जाए, इनकी भाषा भी सहज थी, सरस थी, इसलिए राजस्थान के कवियों में, संतों में सुंदरदास का नाम बड़ा इज्जत, बहुत सम्मान के साथ मिल जाता है। और क्योंकि जयपुर के आसपास के थे तो ढूंढाड़ का जो पूरा क्षेत्र है, इनके अंदर इनका ढूंढाड़ी भाषा का, ढूंढाड़ी पर पूरा अधिकार है और अपनी बातों को इन्होंने सहजता के साथ में व्यक्त किया। यह आज हम आपको सुंदरदास के जीवन परिचय, उनके रचनाओं के बारे में बताएं। धन्यवाद।